सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हमारे देश को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया से जाना जाता था। दूर दूर से स्कॉलर्स यहाँ एजुकेशन प्राप्त करने आते थे। जहाँ कहीं भी एजुकेशन सिस्टम नहीं था, वहाँ पर इंडिया में एजुकेशन हर वर्ग के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नीड माना जाता था। हर विलेजेस में पाठशालाएँ होती थी और इवन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। हज़ारों साल पहले यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इवन ग्रामर एंड लॉजिकल थिंकिंग भी पढ़ाई जाती थी। हमारे यहाँ बहुत आधुनिक चीज़ों का निर्माण हुआ है। दुनिया की सबसे पहली सर्जरी से लेकर सर्जरी के औजारों का निर्माण यहीं हुआ है। पर आज एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाए तो कुछ खास नहीं है हमारे देश में। इसी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखिए। तो हम अगली वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम के बीच में कंपैरिजन करेंगे और नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की ये वीडियो में स्टार्ट करना चाहता हूँ दो ही बहुत सिंपल सवालों के साथ, जो अक्सर विदेशी भारतीय से पूछते हैं। पहले कि तुम भारतीय लोग पढ़ाई के प्रति इतने मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग कैसे होते हो, और दूसरा ये कि तुम लोग इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के बाद भी तुम्हारे देश की व्यवस्था इतनी खराब कैसे है। जो लोग आज ये सोचते हैं कि इंडियन एजुकेशन को अच्छा नहीं मानते थे, जिन्हें लगता है पुराने टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पैथेटिक था, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, एंशियंट इंडियंस एजुकेशन को सेक्रेट और रिलीजियस मानते थे। इवन देयर वॉज अ सेरेमनी कॉल्ड विद्यारंभा और अक्षर अभ्यास, जब कोई भी बच्चा पहला अल्फाबेट सीखता है। इसी तरह बंगाल में हाथीगोरी, एंड इवन देयर वॉज अ सेरेमनी कॉल्ड उपनयनम, जब बच्चा हायर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता। और जो भी इंडियन वेद ग्रंथ में लिखा गया है, इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन ईश्वर की पूजा, चरित्र निर्माण, लोक तथा नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, सामाजिक दक्षता। तो भारत में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जो खोजी गई हैं, उनमें टेंपल यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज़, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, शारदा पीठ, कंथलू, शाला यूनिवर्सिटी और भी बहुत थी। गुरु शिष्यों को अपने घर पर पढ़ाया करते थे। उस घर की देखरेख का काम शिष्यों के बीच बांट दिया जाता था। जब पूरी दुनिया में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तब इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजन की पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मेडिकल स्कूल, आयुर्वेद एंड इवन डिबेट। जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस होते थे वो रोलिंग किंग देता था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको फंड करते थे 100 विलेजेस के रेवेन्यू। गुरु और शिष्य का खर्चा इसी से चलता था। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला 6th century BC अराउंड में थी। आज करंटली वो पाकिस्तान में है और एक वो वर्ल्ड हेरिटेज है। टेंपल यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो टेंपल के अराउंड किंग अग्रहारा बनाते थे और वो लैंड गुरुस को दे दिया जाता था शिक्षा के लिए। शारदा पीठ यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में थी, वो बहुत फेमस थी अपने रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए, और कश्मीर उस समय शारदा देश के नाम से जाना जाता था। युआंग शान जो कि एक चाइनीज स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में नालंदा को कुछ इस प्रकार बताया। इट हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, जिसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी, और 100 से ज़्यादा तालाब जो कि सुंदर कमल के फूलों से भरा हुआ था। यहाँ इमारतें बहुत ही ऊंची थी, जैसे कि लाइब्रेरी जो कि 9 मंजिला इमारत थी, वहाँ की मेन बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से बहुत ही अद्भुत दृश्य का आभास किया जा। स्टूडेंट टीचर रेशियो भी काफ़ी इम्प्रेसिव था, इट वॉज अराउंड 8:1, यही 8,000 शिष्य और लगभग 1,000 से भी ज़्यादा गुरु। चलिए एंशियंट इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम का निर्माण भारत में किया गया, जिसके कारण ट्रेडिंग, ज्योमेट्री और कंप्यूटर का इन्वेंशन संभव हो पाया। हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स बहुत ही एडवांस, हमारे यहाँ के मैथमेटिशियंस ने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लॉग टेबल जैसी चीज़ें दी हैं। भास्कराचार्य ने कैलकुलस और डिफरेंशियल नंबर सिस्टम का इन्वेंशन किया है। वी गेव द वर्ल्ड अर्थशास्त्र, जिसमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज और राजपाट चलाने के तरीके बहुत बखूबी से समझाए गए हैं। कन्नड़ लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ आने से
कई सेंचुरी पहले भारत में दिए जा चुके थे। इसमें तीन तरीके के लॉ दिए गए हैं। आयुर्वेद, जिसमें मनुष्य शरीर एवं भिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनती है, यहीं से बहुत से विदेशी साइंटिस्ट आज अपनी रिसर्चेस करते हैं। और हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहा गया है, उनके कार्य भी आयुर्वेद से ही लिए गए हैं। भारत को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, क्योंकि योगा जैसी अद्भुत प्रैक्टिस केवल भारत जैसे महान देश में ही हो सकती है। सुषुत्र संहिता, जिसमें आर्ट ऑफ सर्जरी को समझाया गया है, ये भी हमारे भारत की ही देन है। अब हमने आपको इतना सब बता दिया है प्राचीन भारत के बारे में, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय गुरु का नाम क्यों नहीं है। सारी डिस्कवरी इन्वेंशंस यूरोपियन अमेरिकन्स और चाइनीज के पास क्यों हैं? देखिए, सवाल बहुत ऑब्वियस है, पर इसका उत्तर उससे भी ज़्यादा सरल। भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट और एंशियंट वर्क को यूरोप लेके जाया गया और यहाँ से संस्कृत के विद्वानों को भी लेके जाया गया, ताकि वो संस्कृत भाषा को लैटिन भाषा में कन्वर्ट कर सकें। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का भी इन्फॉर्मेशन ईस्ट से वेस्ट करने में बहुत बड़ा हाथ था। इसी लाइब्रेरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। दे कैन बोरो, दे कैन स्टील, दे कैन बैग, व्हाटएवर इट टेक्स। वहाँ जाने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स को अरेबियन में कन्वर्ट किया गया और फिर उसके बाद लैटिन में और इंग्लिश में। इसी तरह चाइनीज स्कॉलर्स भारत की यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करके गए और अपने देश को जाकर प्रॉस्पर किया। और इंडिया के स्कॉलर्स की डिमांड आज भी पूरी दुनिया में थी, यहाँ तक कि हमारे इंडिया के स्कॉलर्स के स्टैचू आज भी चाइना में बने हुए थे, जो कि वहाँ के राजाओं ने उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर उनसे प्रसन्न होकर वो बनवाए थे। कुछ पुर्तगाली भी इसी तरह हमारे यहाँ के डिस्कवरीज को अपने देश में लेकर गए, जो आज भी उनके नाम से पेटेंट है। अब बहुत हुआ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अब थोड़ा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को भी जान लेते हैं। So university had their entrance exam just like we have now, and the competition is much more tougher. Only 20% student ही admission ले पाते थे। Even proof मिला है कि आसपास की जो university के villages थे, वहाँ पर coaching institute चलते थे जो entrance exam की तैयारी करवाते थे। है ना कुछ अद्भुत? The way of teaching was debating, and it includes philosophy, Vedanta, epic, grammar, medicines, and mathematics. अब जब भारत में मुगल आए, तो उन्होंने इंडियन टेंपल्स को जलाया, गुरुस को मारा, स्कॉलर्स को मारा, और यहाँ तक कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जलाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जब जलाया गया तो वो 3 महीने तक जलता रहा। आफ्टर ऑल इट वाज अ 9-story बिल्डिंग। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, संस्कृति डिस्ट्रॉय किया मुगल्स ने, और ब्रिटिश के आने पर इट वॉज लाइक एडिंग ऑयल टू अ फ्लेम। इवन आर ओन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अरेबिक नंबर सिस्टम। अब फाइनली आ गए भैया ब्रिटिशर्स। इनिशियली ये लोग कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे एजुकेशन को लेकर, बट दे ऑल वांटेड इज टू प्ले पॉलिटिक्स एंड टू एनरिच देमसेल्फ। पर अब इन्हें लगा कि अगर इन्हें इंडियंस के साथ लॉयल्टी चाहिए, तो इन्हें कम्युनिकेट करना होगा, और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी था लैंग्वेज। फाइनली आफ्टर 15 years ऑफ डिबेट, इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ। They commented that they wanted to form a class of people, Indian in blood, but English in taste, opinion, moral and intellect. इस लॉ ने हमारी संस्कृति और सभ्यता की खुली तौहीन की। अब हमारे देश में केवल वही एजुकेटेड था जिसको इंग्लिश आती थी। जो इंग्लिश बोले वो होशियार। इसी तरह संस्कृत और हिंदी की वैल्यू गिरती चली गई, and we didn't even realize that there was a person called Dharmpal. इन 1960s लंदन में वो रहते थे। उनका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में बीतता था, और वो उन्होंने पाया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सर्वे करवाए इंडियन एजुकेशन का स्तर जानने के लिए। एंड दे रोट इन द बुक दैट इंडिया वॉज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड एवरी विलेज हैज़ इट्स पाठशाला विद अ डेडिकेटेड टीचर्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ स्टूडेंट्स। और धीरे धीरे लिटरेसी रेट बहुत कम हो गया। ब्रिटिशर्स ने पाठशालाएं जो गांव में चलती थी वो बंद करवा दी, और देश में भुखमरी आ गई, और इसी भुखमरी का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। जो पैसा किंग एजुकेशन पर खर्च करता था, वो पैसा अब अंग्रेज़ों को टैक्स के तौर पर देना पड़ रहा था। जो एजुकेशन फ्री होती थी, उस एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे पैसे देने पड़ रहे थे। इसी कारण एजुकेशन एक लग्जरियस चीज़ों में गिनी जाने लगी, जिसकी वजह से चोरी, भुखमरी, और जहाँ पर बिल्कुल भी भिखारी नहीं थे, वहाँ भिखारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
इन शॉर्ट, ब्रिटिश हमारे यहाँ से गोल्ड ही नहीं ले गए, हमारे यहाँ से उन्होंने संस्कृति, हमारा कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन का इंजेक्शन लगा दिया और सब ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने हमारे देश का बंटवारा करवाया और बहुत सारे लोग मर गए इसी कारण। So India was a land of diverse culture, religion and language where gurus would teach their shishyas about 64 kalas and 14 vidyas including yoga abhyas, vastu kala, dhan dhanya and many more. Hamari sanskriti swayam hi sampurn hai aur hamare paas ek bahut bada bhandar hai na sirf art aur culture ka balki knowledge aur tradition ka bhi. Isi wajah se hamare Bharat ko soni ki chidiya bhi kaha jata hai. ना सिर्फ यहाँ धर्म धान्य बल्कि हर प्रकार की विद्या, बड़ों का आदर सम्मान और छोटों को प्यार करना सिखाया जाता था। We are losing our culture and heritage. First Mughal, then Britishers, and then this westernization. People barely learn Sanskrit now. तो दोस्तों, मैं एंड में यही कहूँगा, proud to be an Indian और westernization को adopt करने से पहले अपनी संस्कृति के बारे में पूरा जानिए और इसको बढ़ाने में मदद करिए। So guys, first don't forget who we are, from where we came and what is our culture. So guys, हम अपनी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। So please हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।